Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. A lot of you are planning to start your CLAT preparation. कुछ कुछ लोगों ने अगर अपनी preparation को already start कर दिया होगा, शायद एक महीने पहले, 15 दिन पहले या even 2 महीने पहले CLAT के just बाद, तो भी हम लोग शायद serious अभी तक नहीं हो पाए. तो आज के session में समझते हैं how to prepare for CLAT from absolute scratch in 10 months. मेरा ये बहुत ही general advice रहेगा उन लोगों को जो सोच रहे हैं कि अभी preparation start कर दें. प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद कर दो, क्योंकि आप जितना सोचते रहोगे ना उतना ज्यादा वो हमारा जो गोल पोस्ट होता है उसको हम आगे शिफ्ट करते रहते हैं और फिर हम धीरे स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट स्टार्ट करते हैं. तो वो गलती मत करना, क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अभी हमारे ये एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद हम क्लैट की तैयारी कर लेंगे, पहले ये हो जाए फिर क्लैट की तैयारी कर लेंगे. तो वो चीजें फिर क्या, कुछ नया नया हमेशा बनता रहता है एंड वी आर नेवर एबल टू गेट इन टू दैट क्लैट प्रोसेस जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो इस सेशन में मैं आपको सब समझाऊंगा कि आपको क्या स्किल्स चाहिए, मैं आपको बेसिक सेक्शंस भी समझाऊंगा, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के 2 से 3 वीक्स बाद क्या करना है और फिर 2 से 3 वीक्स के बाद क्या खुद फ्लो में आ जाते हो तो आपको चीजें अपने आप समझ में आने लग जाती है और मैं ऑब्वियसली आपकी हेल्प यहाँ पर इस सेशन के थ्रू करता ही रहूंगा. तो फर्स्टली इज अंडरस्टैंड द बेसिक पैटर्न. सो दिस इज द बेसिक पैटर्न. यहाँ पर इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग आर 3 हेवी रीडिंग सब्जेक्ट्स, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 23-25 मार्क्स का ये आ सकता है, सेम 23-25 मार्क्स का आ सकता है. सबसे बड़ा सेक्शन जनरली 28 टू 32 मार्क्स का लीगल रीजनिंग होता है. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू इज करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस. करंट अफेयर्स एवरीथिंग, लाइक एवरी डे समथिंग न्यू हैपेंस, तो वी हैव टू स्टे इन टच विद ऑल दीज थिंग्स. कैसे करना है मैं बताऊंगा. और ये 28 टू 32 मार्क्स का आता है, जनरली ये पेपर में डिसाइडर होता है. आप जैसे इवन क्लैट 24 वाले स्टूडेंट से पूछना है, अगर आप थे तो आप खुद समझोगे कि इस बार करंट अफेयर काफी आसान आया था, बहुत सारे आंसर्स ना पैसेजेस में लिखे हुए थे, बट स्टूडेंट्स की आदत थी पैसेजेस ना पढ़ने की, तो वो पैसेजेस ना पढ़ के अपने आप आंसर करने लगे और उनके कुछ कम मार्क्स आ गए, राइट? एंड दैट वाज द डिफरेंस. लोगों के ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में, लीगल में या लॉजिकल में नहीं कटे, नॉट इवन मैथ्स में. उनके ज्यादा मार्क्स इस बार करंट अफेयर्स में, ज्यादा भी कितने, 4-5 नंबर, और उससे बहुत रैंक्स का डिफरेंस हो गया. तो इसीलिए दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर प्रिपरेशन. उसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन इज अनदर वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको 10 से 12 नंबर का है, तो काफी सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं. A lot of us feel that our maths was not very good even in school and we are not very comfortable doing math, but we'll have to do it. So, ये मैं आपको ensure करूंगा कि हम इसका एक-एक topic properly अच्छे से कर पाए, right? तो ये कुछ basic sections हैं. 120 marks का paper आता है presently CLAT में, 120 minutes आपको करने के लिए मिलते हैं, but आपको लग रहा होगा कि 1 मिनट तो काफी है question को करने के लिए, but these are very heavy reading question paper. Even maths में भी आप देखोगे कि आपको काफी सारा read करके पहले table बनानी है, है ना? Data interpretation, you have to make a table and then solve questions. So it takes a lot of time. So unless and until you practice a lot, your concepts are very clear, you won't be able to do a lot of things very frequently कह सकते हो या बहुत ही efficiently कह सकते हो. Now, what are certain skills required? और ये long term की skills है. जरूरी नहीं है आपको इस point of time पर जब मैं ये video बना रहा हूँ या मेरी बात सुन रहे हो तो आपको आता हो, लेकिन जब आपने preparation start कर लोगे तो आपको धीरे धीरे end तक ये skills को develop करना पड़ता है. और ये ऐसी कुछ ऐसी skills होती है जो हमें school में generally नहीं सिखाई जाती, है ना? स्कूल में थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो रोट लर्निंग वाले बच्चे जनरली फर्स्ट सेकंड आ जाते हैं, जो रट रहे हैं ज्यादा, है ना? ये हम जनरली नोटिस करते हैं. तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो. प्रैक्टिस जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कुड से कॉन्ट्रीब्यूशन. कि अगर आपको मान लो मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली आते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना? उसके बाद ही तो प्रैक्टिस कर पाओगे. अगर आपको लीगल के कॉन्सेप्ट बेसिक एटलीस्ट आते हैं तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना और आसान लगेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस शुरू करेंगे. हम लोग दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत पीछे तक चलते ही रहेंगे, कुछ 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 नया आता ही रहता है और साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी. तो हमारा जो स्कूल का जो तरीका था ना करने का, कि पहले टीचर हमें पढ़ा देता है, पढ़ा देती है, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, प्रॉब्लम टेस्ट वगैरह को, तो टेस्ट हम साथ साथ लेकर चलेंगे यहाँ पे, राइट? उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने स्कूल में भी किए हैं, 10th 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स अगर आपने दिए तो उसमें भी किए हैं, बट यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई है, पैसेजेस थोड़े से बड़े हैं, थोड़े डिफिकल्ट टू रीड है, राइट? उसके अलावा हमारे को वोकैबुलरी काफी इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज वोकैबुलरी से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं एंड वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट टू रीड द पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंडेड प्रॉपरली. तो ये दोनों काफी रिलेटेड भी है. जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 1 मिनट है पर क्वेश्चन के लिए, we have to have a very good reading speed also, right? तो ये कैसे develop होती है, हम लोग धीरे धीरे start करेंगे. मैं आपको बताता हूँ कि starting points क्या होंगे आपके. तो reading speed is something that most of us would feel कि हमारी इतनी अच्छी नहीं है, है ना? अगर आप मान लो किसी town से belong करते हो, जैसे 3-tier और 4-tier town, तो वहां पर जो English medium schools भी होते हैं ना, उनमें भी कोई English इतनी अच्छी नहीं होती. I am also one of those people जहाँ पर I read from an English medium school in a town, but the English level was not as good as you could say somebody from a metropolitan city.
तो वी हैव टू इम्प्रूव ऑन आर रीडिंग स्पीड, काफी ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ती है हमको, तो वो हम कर सकते हैं. लेकिन एंड जनरल अवेयरनेस, एज आई टोल्ड यू, कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और उनका स्टैटिक पार्ट भी, जिस तरह से आपने मेरे कई सारे करंट अफेयर्स की वीडियो देखे होंगे, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, आप 12 मिनट्स टू क्लैट की लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हो. मैंने काफी सारे करंट अफेयर्स की वीडियोस बना रखे हैं आप लोगों के लिए, तो वो आपको काफी हेल्प करेंगे. राइट, देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टार्ट कैसे करें. अभी मैं आपको मानकर चल रहा हूं कि आप जीरो पे हो, है ना, या फिर आपने बेसिक बेसिक अगर आपको थोड़ा आता भी है, तो जीरो से कैसे स्टार्ट करें. सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस. मैंने जो आपको बताया वो पैटर्न था, तो सिलेबस टेंटेटिव इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बिकॉज टेंटेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई फिक्स सिलेबस नहीं है. हम लोगों को बस ये चेक करना है कि क्या क्या चीजें क्लैट में जनरली पूछी गई हैं, या फिर क्या क्या चीजें कह सकते हो कि कंसोर्टियम ने दे रखा है. आप क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पर जाओगे ना, तो उन्होंने पूरा सिलेबस दे रखा है वहां पे, तो वहां पर वो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेड है. तो बेसिक से एक आइडिया ले लो. उस आइडिया लेने के बाद दिस विल टेक यू बेयरली हाफ एन आवर, बेयरली. देन मूव ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, आप 2020 से 24 तक के 5 पेपर आ चुके हैं ऑलरेडी, वो करो. एक दिन में एक ही सॉल्व करो, लेकिन अच्छे से सॉल्व करो. ठीक है, यू कैन टेक गुड 5 डेज टू सॉल्व दिस 5 पेपर्स, बट प्रॉपरली. ऐसा नहीं स्किम करके चले गए तो आधा समझ आया आधा समझ नहीं आया. उसको इस तरह से सॉल्व करो कि आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा यही मेरा क्लैट का एग्जाम है. इवन तो आपको जीरो नॉलेज है, देखे तो सही हम स्टैंड क्या करते हैं, तभी तो हमें समझ में आएगा कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं. राइट, और उसके अलावा हमको रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, सब कुछ इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना पड़ेगा. ठीक है, न्यूज़पेपर या तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन्हीं की इंग्लिश अच्छी होती है, इनमें काफी जो न्यूज एनालिसिस होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं, तो आप इनको रीड करो. अब क्या रीड करें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोग रोज सुबह आपको जो भी हेडलाइन उस दिन की रीड करनी होती है वो सारी लिखकर भेज देते हैं एक डॉक्यूमेंट में, तो आप वो कर सकते हो. यू कैन फॉलो अस ऑन द चैनल, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वो आपको काफी हेल्प कर देगा. तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है. कुछ टाइम बाद तो बच्चे ऐसा भी करने लग जाते हैं कि वो महीने दो महीने उन हेडलाइंस को देखकर पढ़ते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा हम इस टाइप की न्यूज हमें पढ़नी होती है, तो फिर खुद से ही पढ़ने लग जाते हैं. लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में वो हेडलाइंस की जो मैं आपको देता हूँ वो आपको काफी हेल्प करेगी, तो आप वो यूज कर सकते हो. इसके अलावा जब हमारे 2 से 3 वीक्स हो जाए, मतलब 15 to 20 days मान के चलो, जब वो हो जाए, तो आपको हर वीक एक मॉक टेस्ट करना पड़ेगा. 1 mock test every week इज कंपल्सरी. आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं ये मॉक टेस्ट तो बाद में करेंगे, अभी तो हमें कुछ आता ही नहीं है. आपको कभी भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रेपरेशन करते रहोगे दैट इज नॉट गुड इनफ, आप सिर्फ क्लासेस देखते रहोगे दैट इज नॉट गुड इनफ. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप प्रिपेयरिंग ऑल्सो अच्छे से साथ में. उसके अलावा हम लोग कुछ 2 से 3 sectional tests करेंगे हर वीक. ऐसा क्यों करना है, क्योंकि फुल मॉक टेस्ट आप 5 सेक्शन करते हो, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आनी चाहिए. तो आप जब भी फुल मॉक टेस्ट पहला करोगे ना, आप ये रियलाइज करोगे कि आप 120 में से मुश्किल से 80-90 क्वेश्चंस भी नहीं देख पाए, और यही मैक्सिमम देख पाए. तो आप बाकी के 30 क्वेश्चन क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा पुअर था. उसको इंप्रूव करना है पर सेक्शन, है ना. जब हमारी क्लासेस में आओगे तो आपको ये भी समझाया जाएगा कि कैसे पर सेक्शन को इंप्रूव करते हो, कितना आपको टाइम लेना है पर सेक्शन. तो आप अगर सेक्शनल टेस्ट करोगे तो आपको एक फिक्स टाइम लिमिट दी जाती है, आपको उसी में करना रहता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. एंड वीकली करंट अफेयर का रिविजन आप कंपेंडियम करोगे, जो हम आपको हमारी आप ना यू कैन गो टू आवर वेबसाइट 12minutes to clat.com, यहाँ पर आपको कंपेंडियम मिल जाएंगे हर मंथ के, तो आप उसको यूज कर सकते हो. दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. उसके अलावा हम लोग क्लासेस करते हैं बहुत रेगुलरली, यू कैन कम टू दोस क्लासेस. वी डू एटलीस्ट 10 to 12 topics एवरी वीक. ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यू नो कवर दीज थिंग्स. तो ये एक चीज है जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर सबसे ज्यादा बच्चों का पता है क्या प्रॉब्लम होता है जो लेट स्टार्ट करते हैं, कि सर हमारा करंट अफेयर का बैकलॉग बहुत हो गया, वो कैसे कवर करें. तो हमारा बैकलॉग होगा ही नहीं अगर हम वीकली बेसिस पर चीजों को रिवाइज करने लग जाएंगे. मैं पता है इनफैक्ट क्या करता हूँ अपनी क्लास में, हर अल्टरनेट वीक में एक क्विज लेता हूँ, जो मैंने पिछले 10 दिन में पढ़ाया था, 12 दिन में पढ़ाया था उसका, तो उसमें से मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके बाहर से भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ कई बार. सो दैट हेल्प्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ फैक्ट्स. ये भी पता चलता है कि हम पानी में कितने हैं, हम प्रिपरेशन एक्चुअली कर रहे नहीं कर रहे, हम खुद को सेल्फ एनालाइज कर पाते हैं इस वजह से. राइट, सो टू मेक थिंग्स इजियर एंड बेटर एंड क्लियरर फॉर यू, वी हैव गॉटन अ न्यू बैच फॉर यू विच इज कॉल्ड उड़ान प्लस. उड़ान प्लस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लैट 25 एस्पिरेंट, जो इस साल दिसंबर में होगा, है ना. वी आर गोइंग टू हैव ऑफलाइन मॉक टेस्ट डिलीवर्ड एट योर हाउस इन दिस पर्टिकुलर जो कुछ है बैच. 60 मॉक टेस्ट राउंड द ईयर 2020 करके, 2020 अलग अलग क्यों कर रहा हूँ, ताकि करंट अफेयर पुराना ना हो, है ना. तो मैं आपको 2020 करके 60 मॉक टेस्ट घर पे प्रोवाइड करेंगे. एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट हम आपको हमारे पोर्टल पर प्रोवाइड करेंगे, तो आपके पास 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे, 110 से ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे. इनफैक्ट We'll provide you a lot of sectional tests, more than 10,000 sectional test questions. So, आपके पास questions तो ये कभी कमी नहीं आने वाली एंड तक. We'll provide you very good quality educators. We'll provide you physical books, जो हमने हमारी खुद की books से delivered at your house.
तो वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, राइट right? तो आप इनको इस बैच में आ सकते हो, वी आर स्टार्टिंग दिस बैच वेरी सून नाउ, है ना, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बैच, गो टू 12minutes2clad.com, वहां पर आपको एक कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको ये बैच भी मिल जाएगा, ठीक है। इस बैच का जो प्राइस हमने काफी अफोर्डेबल रखा है विद द ऑफरिंग दैट वी आर गिविंग यू, इस पर भी लेकिन आप 12% ऑफ ले सकते हो, है ना, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर स्टूडेंट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स, तो दे विल हेल्प यू एज टू हाउ टू मूव फॉरवर्ड, एंड अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट और बुक्स नहीं चाहिए, देन वी हैव अनदर बैच कॉल्ड उड़ान फॉर यू, ठीक है, तो इसका प्राइसिंग और कम है। अगर आपको यू डोंट नीड द बुक्स एंड द ऑफलाइन मॉक टेस्ट, आपके पास अगर मान लो बुक्स पहले है कहीं और की, या फिर आपको लगता है कि नहीं ऑफलाइन मॉक टेस्ट आई वोंट नीड, मैं अलग से ले लूंगा या कुछ भी, तो फिर आप ये वाला बैच भी कंसिडर कर सकते हो विच इज उड़ान, ठीक है। तो दिस इज आर प्रीमियम बैच, आई वुड कंसिडर और यू कुड से रिकमेंड दिस टू यू गाइज, सो दिस विल हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स। हम लोग एक आजकल नई चीज करने लग गए कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग विद एडिटोरियल, तो उसका क्या मतलब होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि जैसे एडिटोरियल में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो लीगल का भी हो, या फिर वो क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह का हो, तो हम लोग जानबूझ के वीकली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लेकर आते हैं क्लास में और आपसे ना क्वेश्चंस पूछते हैं इन्फरेंस पे, वोकैबुलरी पे, अजम्पशन पे, जो क्लैट में आते हैं क्वेश्चन, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट, दैट्स अ पार्ट दैट्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द उड़ान बैच एज वेल, सो वी आर गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन एवरी पॉसिबल वे टू डेवलप दोस स्किल्स इन यू, वो स्पीड डेवलप करना है, वो स्किल डेवलप करना है, वो थोड़ा सा पैशन जगाना है कि भाई हमको क्लियर करके दिखाना है ये एग्जाम, है ना, तो डेफिनेटली यू हैव इट इन यू व्हाट इट टेक्स टू क्लियर दिस एग्जाम, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट रियलाइजिंग योर पोटेंशियल एंड स्टार्ट वर्किंग राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि मैं बाद में करूंगा। अब ये वाली जो हमारी जो प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है ना, इससे बाहर निकलते हैं, है ना, एंड लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन क्लास।